बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल एक पुराने मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। रुपए लेकर फिल्म नहीं करने के मामले में फिल्म निर्माता ने केस दर्ज करवाया था। अब इस केस की सुनवाई मंगलवार को रांची हाई कोर्ट में होनी है। फिल्म निर्माता का आरोप है कि अमीषा पटेल ने फिल्म करने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए का चेक लिया था, लेकिन आज तक फिल्म के लिए काम नहीं किया। जब रुपए लौटाने की बात आई तो उसमें भी धोखाधड़ी की गई है। पटेल ने रुपए लौटाने के एवज में चेक दिया था, लेकिन वो बाउंस हो गया। इसके बाद फिल्म निर्माता अजय कुमार के केस दर्ज करवाया था। इसी केस के मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले भी अमीषा पटेल पर रुपए लेकर डांस नहीं करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, इस धोखाधड़ी के लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। दरअसल ये मामला 16 नवंबर 2016 का था। मुरादाबाद में ड्रीम विजन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाले पवन वर्मा का आरोप है कि उनके क्लाइंट की शादी में डांस करने के लिए अमीषा पटेल को 11 लाख रुपए दिए गए थे। वो ये रकम आरोपी राजकुमार द्वारा न्यू मैक्स एंटरटेनमेंट कंपनी के नाम से ली गई थी, लेकिन पटेल कार्यक्रम में डांस करने ही नहीं पहुँची थी। इसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर केस दर्ज करवाया गया था। तब से लगातार सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि पटेल के पास फिलहाल कोई फिल्म नहीं है और वो एल्बम के लिए फोटोशूट करवा रही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।